हे वोसो गाइस, वेलकम बैक टू योर शॉर्ट राइडर। सो आज हम जाने वाले हैं अपनी बाइक में सर्विस करवाने के लिए। बेसिकली मेरी बाइक की ये सेकंड सर्विस है। सो मेरी बाइक अभी चल चुकी है 1900 किलोमीटर अप्रॉक्स। सो अभी चलते हैं, देखते हैं क्या प्रोसेस होता है, दिखाएंगे आपको सारा कुछ। एंड हम जाने वाले हैं अपने नितिन भाई के साथ, जो कि एक न्यू राइडर हमारे ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं। अंदर हम देखेंगे क्या कुछ चेंजेस करते हैं, क्या कुछ चीज़ें साफ़ करते हैं। तो इंजन ऑयल जो है वो मैं डलवाने वाला हूँ उसमें, मोटुल का 20W40 ग्रेड का, 20W50 ग्रेड का आई थिंक, हाँ 20W50 ग्रेड का मोटुल का इंजन ऑयल है। एंड ऑयल फिल्टर वगैरह चेंज करना मैंडेटरी है, वो तो वही सर्विस सेंटर वाले ही करेंगे। तो ऑयल जो है बेसिकली वो मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। सो गाइस, आपको थोड़ा सा नितिन भाई के बारे में बताते हैं। नितिन भाई हमारे एक न्यू राइडर हैं, जो उनका भी एक चैनल है, चैनल मैं यहाँ आई बटन में मेंशन कर दूँगा। सो ये हमारे आगे नितिन भाई, चले बढ़िया भाई, बस वेट कर रहे थे आपका ही, चलते हैं। सबकी है भाई, सबकी है। मैं खुद यार कभी कभी बोल देता हूँ और फिर नहीं आ पाता भाई, रीज़न है। तो गाइस भाई का चैनल मैं यहाँ आई बटन में लिंक वो कर दूंगा, आप एक बार जाके जरूर देखिएगा। तो चले बिल्कुल बैठो। गेट रेडी टू राइड गाइस। देख सकते हो हम आ गए यामाहा के सर्विस सेंटर, देख सकते हैं यहाँ पे फुल काम वाम चल रहा है। तो चलते हैं, पहले कागजी कार्रवाई करवाए आते हैं, उसके बाद। सो ये खड़े हमारे नितिन भाई, एंड अंदर चल रही है कुछ कागजी कार्रवाई। आगे दिखाते हैं आपको किस तरीके से होती है हमारी गाड़ी की सर्विस, एंड क्या कुछ कॉस्ट आती है, क्या कुछ चीज़ें चेंज की जाती हैं इसमें। तो गाइस अभी आप देख सकते हो टंकी के हमारे दोनों बोल्ट खुल चुके हैं, एक यहाँ वाला और एक यहाँ वाला, दोनों बोल्ट खुल चुके हैं। और यहाँ भी तो बोल्ट था, वो भी खोल दिया है भाई ने। ये भी एक डिसएडवांटेज है रैप करवाने का। जब ये आप देख सकते हो दोनों साइड के हमारे पैनल्स खुल चुके हैं, लेफ्ट राइट दोनों साइड का भाई सफाई करने में लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डस्ट है यहाँ पे। तो भी आप देख सकते हो हमारी गाड़ी पूरी तरीके से खुल चुकी है, यहाँ पे टैंक था, टैंक पूरी तरीके से हट चुका है। और ये है हमारा एयर फिल्टर का बॉक्स, अभी इसको खोलेंगे भैया, फिर देखते हैं क्या है हालत हमारे एयर फिल्टर की। अभी हमारा खुल चुका है एयर फिल्टर, और भाई साहब एयर फिल्टर की हालत तो देखो एक बार, मतलब क्या ही पूरा डस्टी डस्टी हो रखा है। और ये देखो, ये देखो भाई, तो भाई जो भी आप देख सकते हो हमारा एयर फिल्टर लग चुका है भाई, इसको बोल्ट करते हैं। गाइस अभी हमारी बाइक उठने जा रही है, सो गाइस देख सकते हो अभी आप हमारा ऑयल ड्रेन होने जा रहा है, तो ये ड्रेन बोल्ट खोल दिया है।
सारा ऑयल ड्रेन किया जा रहा है यहाँ पे, देख सकते हो गाइस ऑयल की हालत। अभी क्या है, अभी हमारा ऑयल फिल्टर को खोला जा रहा है। देख सकते हो मतलब डस्ट पार्टिकल्स ऑयल फिल्टर के, हालत देख सकते हो इसकी, ये तो चेंज होगा। तो गाइस पहले इसको साफ किया जाता है, उसके बाद इसके अंदर हम नया ऑयल फिल्टर लगाएंगे। हम अपनी बाइक में ऑयल डलवाने वाले हैं, वो मॉड्यूल का 20W50 फुल्ली सिंथेटिक मॉड्यूल का इंजन ऑयल डलवाने वाले हैं। इसकी कॉस्टिंग में मैं बताऊंगा आपको वीडियो के लास्ट में, यहाँ पे आप इसके हाइलाइट्स पढ़ सकते हैं। देखो गाइस मतलब किस तरीके से भरा जाता है कूलेंट, तो उसका लेवल लाइन दिख दिया ना। हाँ हाँ, लाइन तक टॉप अप होता है। अच्छा, सो गाइस अभी कूलेंट भी हमारा भर चुका है, देखिए उसका लग गया ढक्कन। सो गाइस अभी हमारी बाइक की अलाइनमेंट देखी जा रही है। सो गाइस ये है, यहाँ पे कुछ वायर वगैरह कनेक्ट की जाती है। सो गाइस देख सकते हो अभी सर ने यहाँ पे चेंज नंबर डाल रखा है। इंजन की टेस्टिंग चल रही है। आप देख सकते हो पूरा हमारा कनेक्ट हो चुका है बाइक, कराना स्टार्ट पूरी डिटेल आ गई इसकी, जितने भी इसमें सेंसर लग रहे हैं सारे सेंसर की डिटेल आ गई। अभी हमारे सर बताएंगे 1300 से 1500 के बीच में आइडल आरपीएम रहता है। अच्छा, अभी ये इसका 1340 आ रहा है यानी टी के बीच में इसका। ठीक है, ये बाकी सेंसर है इसका। अच्छा, ये बैटरी वोल्टेज। अच्छा अच्छा सर, मैंने इसमें एक्सटर्नल लाइट वगैरह लगाई है, उससे वोल्टेज पे कोई फर्क पड़ रहा है?
भाई हमारे राज भैया बताएंगे। भैया कोई कमी है गाड़ी में? नहीं बाकी ठीक है, सारे सही सब। अच्छा सारे सही है। ओके रिपोर्ट। ओके रिपोर्ट है अपनी बाइक की। ये रिपोर्ट ख्याल रखते हैं, मतलब ये भी का ख्याल रखते हैं। गाइस अभी अपनी बाइक आ चुकी है वॉशिंग एरिया में, देख सकते हो। तो लग चुकी है वॉशिंग एरिया में और अभी अभी आते हैं भाई और उसको वॉश करवाएंगे। हमारे भाई की ब्लॉगिंग देख सकते हो, फुल मेहनत चल रही है। वॉशिंग स्टार्ट हो चुकी है अपने भाई की, देख सकते हो। यहाँ ब्लॉगर भैया भी लगे पड़े अपने काम में। गाइस अभी कैसा है, अभी हमें मिल चुका है बिल एंड बिल देखते हैं हमारा कितना आया हुआ है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ₹350 मेरा बिल आया हुआ है, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को कूलेंट के ₹100 चार्ज करे गए हैं, ठीक है। ऑयल ऑयल चेंजेस के हमारे ₹250 चार्ज करे गए हैं और हमने इसमें मॉड्यूल का जो इंजन ऑयल है वो हम खुद लेकर आए थे, जो कि हमें कॉस्ट हुआ था ₹850 के आसपास। तो अराउंड आपके ₹1200 के आसपास गाड़ी की सेकंड सर्विस हो जाएगी। सो देख सकते हो आप बिलिंग। तो चलो गाइस यहीं पे करते हैं अपने ब्लॉग को एंड। सो देख सकते हो सर्विस सेंटर। आपको भी कोई भी बाइक सर्विस करवानी हो यामाहा की, आप बेफिक्र होकर यहाँ पे आ सकते हो। ये हमारे मनोज भाई ये कर देंगे। सॉरी भाई राजा भैया। तो देख सकते हो गाइस वो है हमारी R15। तो करता हूँ मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो हमारा चैनल।